हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल मम्मी की टेस्टी रेसिपीज़ में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की भुजिया। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भिंडी की भुजिया बहुत खाई होगी आप लोगों ने, लेकिन आज जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, आप इस तरीके से बनाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए, मैंने इसके लिए ले लिया आधा किलो भिंडी और मैंने इसको धो के रख लिया है, और मैंने लिया है दो प्याज और कुछ मैंने पाँच छः मैंने हरी मिर्च ले ली है, और मैंने पाँच छः मैंने इसमें लहसुन की कली ले ली है जिसको मैं छील लूँगी। मैंने एक हैंकी ले ली है और जो हमने भिंडी हमने धो के रखी थी हमने फ्रेंड आधी किलो भिंडी, तो उसको मैंने अब हैंकी में डाल दिया है जिससे ये और अच्छे से ड्राई हो जाए। इसको हम अच्छे से इसमें सुखा लेंगे, क्योंकि देखिए हम भुजिया बना रहे हैं भिंडी की, तो अगर हमारी भिंडी इसमें जितनी सूखी होगी उतनी हमारी स्वादिष्ट हमारी भिंडी की भुजिया बनती है। अगर गीलापन उसमें थोड़ा सा रहेगा तो थोड़ा सा आपका फिर वो इतनी टेस्टी नहीं बनती है। तो कोशिश करें कि भिंडी को जितने अच्छे से आप सुखा लें। तो देखिए, मैंने इसको हैंकी में इस तरीके से अच्छे से मैंने इसको सुखा लिया है। तो चलिए अब मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ, और जो हमने प्याज मिर्ची और लहसुन जो हमने ले रखा है इसको कट को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिए हैं, और हरी मिर्च जो हमने ली थी उसको भी कट कर दिया है, लहसुन की कली भी हमने छोटे छोटे पीस में काट के रख दिया है। तो इस तरीके से हमने इनको काट के रख लिया है, और अब जो हमारी भिंडी मैंने 10 मिनट के लिए सूखने के लिए रख दिया था हैंकी में, जो अच्छे से सूख चुकी है। तो चलिए मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। आपको देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको इस तरीके से आपको कट करना है, ज़्यादा बड़ा पीसेस में मत रखिएगा, क्योंकि जो भुजिया होती है फ्रेंड वो थोड़े छोटे पीसेस में ही अच्छे लगते हैं। अगर आप बड़े पीसेस में बनाना चाहते हैं बड़े में भी काट सकते हैं, लेकिन भुजिया ज़्यादातर हमें छोटे पीसेस में कट करेंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी आपको खाने में। तो चलिए इस तरीके से मैं सभी भिंडी को अच्छे से काट के रख लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई मैंने रख दी है, और कढ़ाई हमारी हमने 5 मिनट रख दी थी, तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है। चलिए, मैं आप जो तेल डाल रही हूँ मैं फॉर्चून का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं आपके पास जो भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से देखिए मैं थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और अब हमारा तेल जो है हम इसको 2 मिनट थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा जो तेल है थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें मैं राई डाल दूंगी। मैंने थोड़ा सा राई ले लिया है, तो इससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में भिंडी की भुजिया। तो हमने इस तरीके से राई डाल दिया है, तो चलिए राई को थोड़ा सा हम इसको तल लेते हैं, थोड़ा सा हमारा भुन जाए ये तेल में अच्छे से। अब हमारी जो राई है वो पक चुकी है, और अब मैं इसमें कड़ी पत्ता जो मैंने थोड़ा सा तोड़ के रख लिया था, तो कड़ी पत्ता भी हम इसमें डाल देते हैं। इस तरीके से मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है, लहसुन जो है हमने जो काट के रखे थे छोटे पीसेस में, लहसुन की कली भी मैंने डाल दिया है, उसको भी हम थोड़ा सा धीरे धीरे चला के। लहसुन की कली है हमारी, कड़ी पत्ता राई सब हमारे अच्छे से तल गए, ज़्यादा इसको आपको ब्राउन नहीं करना है। तो चलिए अब मैं इसमें जो भिंडी मैंने काट के रखी थी मैं भिंडी को डाल देती हूँ। अब आपको भिंडी को थोड़ा सा इसको इस तरीके से चलाना है, इसका जो कच्चापन है वो फ्रेंड हट जाए इसको। हम पहले थोड़ा सा इसको 10 मिनट चला लेते हैं अच्छे से। अब इसको हमने थोड़ा सा चला के इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। देखिए, अब हमारा 10 मिनट हो गया है और मैं कवर हटा लेती हूँ, और आप देख सकते हैं हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से तल गई है, और उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया है। और आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी फ्रेंड, कि आप देख सकते हैं चिपचिपापन ख़त्म हो गया है, क्योंकि अगर आप मसाला पहले डाल देंगे कच्चे में तो क्या होगा कि बाद में वो चिपचिपेपन के वजह से जो हम मसाला डालेंगे वो हमारी भिंडी में चिपक जाएंगे, वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी भिंडी में। इसीलिए जब भी आप मसाला डालें तो थोड़ा सा भिंडी को तल के आप अच्छे से उसके बाद ही डालें, कि चिपचिपापन लस्सापन उसका ख़त्म हो जाए। तो चलिए, अब मैंने देखिए थोड़ा मसाला डाल दिया, मैंने हल्दी पाउडर लिया है छोटी चम्मच से, वो थोड़ा अच्छा उसे कलर आएगा। थोड़ा सा मैंने मिर्ची पाउडर सूखी वाली ले ली है, मैंने ऑलरेडी हरी मिर्च दे रखी है, तो अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा लें, नहीं तो कम ही दें। और थोड़ा सा मैंने नमक ले लिया है स्वाद अनुसार,
तो इस तरीके से हमने नमक, मिर्च और हल्दी हमने थोड़ा थोड़ा मात्रा में डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से चला लूँगी थोड़ा, जिससे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें बिल्कुल ही हमारा मसाला चिपका नहीं है, लच्छापन नहीं हुआ है। और अब जो मैंने हरी मिर्च काटी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से काट रखा है, तो इसको बाद में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। फिर इसको आप थोड़ा सा चला लीजिए इस तरीके से। देखिए भिंडी की भुजिया आप हर तरीके से बनाते होंगे, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा आपको, बहुत ही मज़ा आ जाएगा रोटी चावल के साथ खाने में। तो चलिए अब हमने जो प्याज काट के रखा था फिर है ना, थोड़ा सा ये भुन गया है, तो मैं इसमें आप प्याज डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा सा और स्वाद में बढ़ोतरी हो जाएगी, स्वाद और अच्छा हो जाएगा। तो हम प्याज डाल के बना रहे हैं, कहीं आप चाहें तो बिना प्याज के भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने प्याज डाल दिया और इसको चला लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा जितने सारे मसाले, और इसको फिर हम कवर करके रख देंगे जिससे अच्छे से पक जाए। तो इस तरीके से मैंने चला लिया है और अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ, जिससे अच्छे से हमारे भिंडी की भुजिया है। और अब मैंने कवर हटा लिया है और आप देख सकते हैं हमारी जो भिंडी है वो तल चुकी है, हमारी भिंडी की भुजिया बन चुकी है। और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, आपको पास से भी दिखा दे रही हूँ। और अच्छे से हमारी तल गई है, तो अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। मैंने फाइनली अब सर्व कर लिया है मैंने भिंडी की भुजिया बाउल में, और आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनी है, कितनी स्वादिष्ट बनी है। आप इस तरीके से भिंडी की भुजिया बनाएंगे फ्रेंड, आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। और ये रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, गरम गरम बहुत ही मज़ा आ जाएगा खाने में। तो आप भी इस तरीके से बनाइए भिंडी की भुजिया। कब बना रहे हैं मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, कैसी बनी है ये भी बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड में। चैनल भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं इसी तरीके से नए नए रेसिपी लेके आती रहूँगी फ्रेंड। तो चलिए मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।